हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीतास लाइफ। और मैं हूँ संगीता। आज नेक्स्ट डे है, जिस दिन बाढ़ आया था ना उसके नेक्स्ट डे है। और जिस दिन बाढ़ आया था उसी दिन मैं बोल रही थी मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी बनाऊंगी, लेकिन मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरा दो मोबाइल में एकदम एंगेज हो गया था। मेरे हस्बैंड को मैं दी थी, मेरा ना दो मोबाइल है, तो दो मोबाइल में मैं चाह रही हूँ। एक मोबाइल में मेरा व्हाट्सअप है और दूसरा मोबाइल में मेरा व्हाट्सअप नहीं है, वो मेरा नया मोबाइल है। तो मैं चाह रही थी मेरा जो नया मोबाइल है ना उसमें भी व्हाट्सअप आ जाए, सेम नंबर का व्हाट्सअप आ जाए, लेकिन वो मैं बिल्कुल सेटिंग्स नहीं कर पा रही थी। वो जो कुछ डिजिट वगैरह कोड मांग रहे थे वो कोड बिल्कुल नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने क्या किया, दो मोबाइल का दो अलग अलग नंबर है, तो दो अलग अलग नंबर का दो व्हाट्सअप मैंने कर लिया है और दोनों व्हाट्सअप को एक साथ लिंक कर दिए हैं। मतलब जैसे उस मोबाइल में भी कोई मैसेज, अगर व्हाट्सअप का कोई मैसेज आता है तो इस मोबाइल में भी पता चलेगा, इस मोबाइल का कुछ भी उस मोबाइल में पता चलेगा, ऐसे कुछ लिंक था। तो मैंने मेरे से नहीं हो रहा था, मैं मेरा हस्बैंड को बोली जो आपको कल उनका मतलब वर्क फ्रॉम होम था, तो मेरे हस्बैंड कल ये वाला काम कर दिया। मैंने उनको थोड़ा सा बोले जो अगर ये वाला काम आप करके नहीं देंगे ना तो मैं ना आज मतलब आपको खाना नहीं दूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, ये वो खूब ब्लैकमेल किया, तब उन्होंने कर दिए कल। लेकिन उनका भी दिन भर लग गया था तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाए थे, कल मैंने नहीं किया। आज कल तो दिन भर हल्का हल्का बारिश होते रहा और आज मॉर्निंग में मैं उठ के देख रही हूँ, आज कौन सा डे है, आज है फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे मैं मॉर्निंग में उठ के देख रही हूँ, एकदम अच्छा से धूप निकल गया है चारों तरफ, अच्छा खासा उमस हो गया है और धूप निकल गया है। बाहर मैं दिखाती हूँ और मेरा बैल्कनी का हाल तो क्या हो गया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। आज मुझे धूप निकल गया मतलब मुझे पूरा, मतलब बारिश होने के बाद हवा चलने के बाद ना मेरा काम थोड़ा बढ़ जाता है। मेरा बैल्कनी का हालत बहुत ख़राब है, बैल्कनी पूरा क्लीन करना पड़ेगा। और अभी मेरे हस्बैंड आज ऑफिस चले गए तो पूरा लंच वगैरह मैंने बना के दे दी हूँ, लेकिन मैं लंच में मैं खुद चावल खाती हूँ, मेरे हस्बैंड को तो रोटी बना के मैं देती हूँ, चावल वगैरह जो मैं खाती हूँ ना तो वो थोड़ा सा मुझे बनाना है अभी। और बैल्कनी का हाल मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर का क्या नज़ारा है। ये है आज का बाहर का नज़ारा, देख रहे हैं ना कितना कड़क धूप, आपको पता चल रहा होगा धूप का तेज, देखिए बहुत ज़्यादा धूप है और उमस टाइप का हो गया है, गर्मी लग रहा है। मतलब काल जो इतना बारिश हुआ है ये सब देख के नहीं लग रहा है, आसमान भी बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है, देख सकते हैं एकदम नीला नीला आकाश और उसमें वाइट बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन स्काई का कलर कितना अच्छा लग रहा है, देखिए वाइट और धूप तो एकदम बहुत तेज़ निकल गया है, बहुत ही तेज़ धूप, देख सकते हैं। ये देखिए प्लांट का जो शैडो है ना उससे आपको पता चलेगा कितना धूप है। और मेरा बैल्कनी का हाल मैं दिखाती हूँ, बैल्कनी मुझे कितना क्लीन करना पड़ेगा, ये देखिए सब नीचे गिर गया है, ये सब सारा अभी हमको क्लीन करना पड़ेगा। बैल्कनी क्लीन किया करना ना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, लेकिन मुझे करना तो पड़ेगा ही। आज मैं बनाऊंगी न्यूट्रिला का सब्जी, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल के और उसमें लहसुन और जीरा डाल दिया है। लहसुन जीरा जैसे हल्का सा भून गया है उसमें हम डाल रहे हैं प्याज, प्याज डाल के इसको भी थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। प्याज को धोया था ना तो इसलिए इसमें बहुत सारा पानी था, तो बहुत ज़्यादा तेल छिड़क रहा है इधर उधर। और ये देखिए मेरा जो ऑयल कंटेनर है ना उसका ये जो जहाँ से मेरा रबर रहता है ना, ये रबर पूरा ख़राब हो गया है और इसका ना ये काम नहीं कर रहा है मतलब अच्छा से, तो मुझे ना ऐसे ही कंटेनर को पकड़ के डालना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को बोल रही थी थोड़ा ऑर्डर करने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जितना बॉटल नहीं है उससे महंगा इसका ढक्कन है, इसीलिए मेरे हस्बैंड अभी ऑर्डर नहीं कर रहे। लेकिन मुझे लोकल शॉप में देखूँगी, थोड़ा सा सस्ता मिलेगा तो मैं लूँगी, नहीं मिलेगा तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। आलू को भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी पहले, और न्यूट्रिला को पहले से मैंने गर्म पानी में बॉयल करके रख लिया था और इसमें ये सारे मसाले डालेंगे, इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और यही सब है, नमक, सिंपल जो सब्जी मसाला होता है वही है, यही मसाला डालेंगे। इसमें न्यूट्रिला डालने के बाद मैंने जो सारे मसाला है मसाले को इसमें डाल देंगे।
और देखिए इसको अच्छा से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह पेस्ट बना के मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। अब इसमें डाल दिए हैं टमाटर, टमाटर डाल के भी इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा लाइट करके बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले खाने का मन नहीं है। कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ब्राइट ब्राइट कलर लग रहा है। ये है आज का हमारा लंच, सारा सब्जी वगैरह बनने के बाद। ये मैंने भुजिया बनाया था पत्ता गोभी और बीन्स ये सब देख के, और मैंने थोड़ा सा नींबू लिया है, और अभी न्यूट्रेला का जो सब्जी बनाया है वही है। अभी मैं नहा के और पूजा पूजा कर ली हूँ, नहा के आई हूँ, और मैं अभी लंच कर लेती हूँ। मेरा लंच मैंने अभी दिखाया ना, ये है मेरा लंच। ये भुजिया मैंने बनाया था सुबह मेरे हस्बैंड के लिए, और चना का सब्जी बनाए थे। चना का सब्जी ना मुझे अच्छा नहीं लगता बोल के मैंने नहीं रखा, थोड़ा सा भुजिया रखा, भुजिया रखा और ये सब्जी बना लिए। मैं ना आज अंडा करी बनाने वाली थी, मेरे को बहुत मन कर रहा है अंडा करी खाने का, बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि मैं ना फिश और एग खाती हूँ, तो जैसे 10 दिन 15 दिन हो जाता है मुझे फिश और एग नहीं मिलता ना, तो मुझे ना अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है मुझे, अरे मुझे नहीं, मैं खाई नहीं हूँ ऐसा लगता है, कुछ खाई नहीं हुआ ऐसा लगता, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भर जाता। तो मैं सोच रही थी ना अंडा मैं आज बनाऊंगी अंडा करी, लेकिन अंडा लाने के लिए ना मेरे को जाना पड़ता खुद को, मुझे जाने का इच्छा नहीं हो रहा था बोल के मैंने न्यूट्रेला बनाया। कल मेरे हस्बैंड को बोलूँगी, कल उनका वर्क फ्रॉम होम है तो कल शायद थोड़ा वो मार्केट भी जाएंगे, तो मैं उनको बोलूँगी अंडा लाने के लिए। फिश खाना मैंने छोड़ दिए हैं, और आगे 6 महीना करीब मैं फिश नहीं खाऊंगी। जो देखा था मैंने यूट्यूब में जो वीडियो देखा था ना वो भयंकर था, तो जिन लोग फिश खाते हैं वो अभी फिलहाल 6 महीना तो फिश खाना छोड़ दे, बिल्कुल ना खाए, हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, तो अभी ना खाए मैं ये बोलूँगी। देखिए मैं फिश कितना खाना पसंद करती हूँ, फिर भी मैं नहीं खा रही हूँ, अंडा खाऊंगी अभी। पहले ना मैं अंडा नहीं खाती थी बचपन में, अंडा का स्मेल मुझे अच्छा नहीं लगता था, सिर्फ अंडा का ऑमलेट खाती थी, मैं तो बॉयल एग नहीं खाती थी। अब तो मुझे बॉयल एग भी अच्छा लगता है, जब नहीं मिलता है ना तब सब अच्छा लगता है। खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं, ओके। मेरा अभी लंच हो चुका है, लंच करने के बाद मैंने ये सौंफ है ना दिखाती हूँ, मैं सौंफ डेली खाती हूँ, ये है मेरा सौंफ, इसमें डब्बा भी भर के मैं रखती हूँ और थोड़ा सा खाती हूँ डेली, मुझे अच्छा लगता है सौंफ खाना, बहुत पसंद है सौंफ, बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना। मीठा वाला सौंफ होता है ना, जो एक पतला वाला ग्रीन ग्रीन सा होता है, वो बहुत मीठा नहीं लेकिन मीठा मीठा लगता है सौंफ, मैं ऐसे खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो कभी कभार ना इतना भी खा लेती हूँ पर डे, इतना भी खा लेती हूँ, मुझे इतना पसंद है। पता नहीं क्यों मेरा चेहरा थोड़ा सा रेडिश टाइप का लग रहा है, क्यों लग रहा है मुझे नहीं मालूम। और मैं सामने जो मेरा जो बैल्कनी वाला जो दरवाज़ा है ना वो खुला रखी हूँ, तो धूप आ रहा है, तो इस वजह से क्या नहीं मालूम आज तो एकदम बहुत धूप निकल गया है, और कोयल वगैरह, मतलब कोयल का आवाज़ आ रहा है ना, देखिए मेरा बेडरूम में भी बैठ के ना ऐसे हरियाली दिखता है, मेरा किचन से भी बहुत हरियाली दिखता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखता है यहाँ पे।
तो मैंने लंच कर लिया है। अब वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि मेरे वीडियो में व्यूज़ बहुत कम आता है, तो बढ़ा के कोई फ़ायदा है नहीं, कोई तो देखता नहीं है। मैं जस्ट फन करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड है तो मेरे बेबी तो अभी है नहीं, तो मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे बनाना, पसंद करती हूँ, मुझे पसंद है। मतलब ऐसा लगता है ना किसी चीज़ में मैं इंगेज हूँ ऐसा लगता है, तो पसंद है बोल के मैं बनाती हूँ। आप लोग देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, देखते ही नहीं है, बहुत कम व्यूज़ आता है दूसरे के हिसाब से, तो बहुत कम व्यूज़ आता है, तो इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।